हेलो गाइस, आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहते जो अपने ग्रो एप्स में कैसे अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, कैसे इसमें जो एक म्यूचुअल फंड में जो अपना निवेश करोगे, कैसे इसमें जो रेफर करके पैसा कमाओगे। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ कैसे इसमें जो डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है, और आपको ए टू जेड जानकारी इसमें आपको बताने वाला हूँ। कब कब पैसा मिलता है, कब नहीं मिलेगा, वो सब डिटेल में बात करने वाला है। तो बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जितना हो सके फॉलो बायो के साथ शेयर करना, क्योंकि वो दोस्त भी घर बैठे बैठे बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो सवाल, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, लिंक पर क्लिक करना। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे ना, तो कुछ इंटरफेस ऐसा हो जाएगा आपके सामने, कुछ जानकारी आपको बेसिक जानकारी मांगी जाएगी। तो जो भी बेसिक जानकारी मांगी जा रही है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, उसके बाद में नेक्स्ट करना है। जो जो प्रोसेस आपको नेक्स्ट करना है वो सब मैं आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ। बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो तरीका बताऊँ इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो सो गाइस, सबसे पहले जो आपको काम होने वाला है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो ये प्ले स्टोर पे चला जाएगा। प्ले स्टोर पे ओपन करने के बाद इसको ऐप्स को डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद इसको ऐप्स को ओपन करोगे, ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको जो काम रहेगा ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी होगी। ईमेल आईडी वही डालना जो आपके फोन में अभी अवेलेबल हो। ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड आता है, यानी जो एक ओटीपी वेरीफाई होता है, वो आपको ओटीपी डालना। ईमेल आईडी पे ऊपर आएगा वो ओटीपी, यहाँ पे देख के डाल देना। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने, यानी जो भी आपका पासवर्ड रखना चाहो वो आपको पासवर्ड यहाँ पे रखना है, उसके बाद में कंटिन्यू करना है। देन देखो, यहाँ पे बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको जब भी लॉगिन करोगे ना, तब यही आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने होंगे, तभी आप इसमें लॉगिन कर पाओगे। अब यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो आपके आधार कार्ड से और बैंक से लिंक नंबर है, वही आपको मोबाइल नंबर इसमें डालने हैं, अदरवाइज दूसरे जो आपको नहीं डालने हैं। ठीक है, किसी भी फैमिली मेंबर का ले सकते हो, जो इसका आप अकाउंट बना रहे हो उसका मोबाइल नंबर डालने हैं, जो आपका आधार कार्ड से और बैंक से लिंक होने चाहिए। अब जैसे आप नेक्स्ट करोगे ना, तो पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद में वेरीफाई करना है। देखो, हमने पैन कार्ड डाला है, उसके बाद वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद जो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, यानी जो आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो जैसे करोगे तो जो भी आपका नाम है पैन कार्ड में और आधार कार्ड में नाम है, वो आपको पूछा जाएगा क्या ये सही है, तो आपको यहाँ पे येस और नो कर देना है। तो जो भी आपका सही है तो ये आपको आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी होगी, जो भी आपके आधार कार्ड में और आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज़ करनी है। इसके बाद जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल जो भी हो आप यहाँ पे चूज कर देना। इसके बाद मैरिड स्टेटस डाल देना, यानी आप शादीशुदा हो, सिंगल हो, जो भी हो वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये डालने के बाद आपको यहाँ पे जो अक्टूबर देनी है, आपका जो बेसिक अभी क्या कर रहे हो, यानी स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एम्प्लॉयर हो, जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे भर सकते हो। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे ना, यहाँ पे जो आपका इनकम पूछी जाएगी, तो इनकम आपको यहाँ पे जो आप डाल सकते हो, यदि आपके जो 1 लाख है तो 1 लाख डालना, 2 लाख है, 5 लाख है, जो भी है आप डाल देना। इसके बाद ट्रेडिंग आपको पूछा जाएगा, तो ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे नो एक्सपीरियंस पे कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नो पे करना है, और यदि है तो आपको 1-2 साल का जो भी है वो यहाँ पे चूज़ कर देना। अब यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है जो आपके मोबाइल नंबर से, उसको अब यहाँ पे चूज़ करना है, कौन सी बैंक आपकी SBI है, ICICI है, जो भी आपकी बैंक है वो यहाँ पे आपको चूज़ करनी होगी। जिस प्रकार हमारे पास में देखो भी जिनकी बैंक है उनको चूज़ कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट करना भी बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको एप्स कोड वगैरह आपको डालने होंगे, उसके बाद कंटिन्यू करना है। देन ये जो हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। वेरीफाई हुए बैंक, यानी जो आप जैसे आप वेरीफाई क्लिक करोगे ना, तो थोड़ा कुछ 30 सेकंड का वेट लेंगे, उसके बाद में आपका तुरंत 1 रुपये आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और आपको मैसेज भी आ जाएगा कि हाँ हमारे बैंक में 1 रुपये आ चुका है। तो ये जो एक वेरीफाई का सेक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिजिटल KYC की जाएगी, तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर KYC पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना प्रोसीड वाले पे, तो यहाँ पे जो आपको अथॉरिटी मांगी जाएगी, अथॉरिटी आधार कार्ड, यहाँ पे क्लिक करना है। तो और इसके बाद में जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे। देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे टेक सेल्फी ले लें, या आपको या फोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आपको जो भी ये जो फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है। चाहे तो आप इसमें यानी एक होता ना, जैसे आपका 1 आया 2 आया 3 आया, जितने भी यहाँ पे कोड आते हैं ना, ये कोड होते हैं, यानी रोबोट तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करके आपको जो भी 1 है तो 1 उंगली को खड़ी करनी है, 2 है तो 2 करना है, 3 है तो 3, जो भी आपका कोड आता है उस हिसाब से आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, इसके बाद सेल्फी लेनी है, सेल्फी लेने के बाद कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड में जो भी आपका फोटो है फोटो सेलेक्ट कर देना, या जो आप डायरेक्ट कैमरा ऑप्शन ले रहे हो तो कैमरा से भी ओपन करके डायरेक्ट ले लेना। ठीक है, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक करना है, और यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आधार कार्ड का फ्रंट का लेना है और बैक का, दोनों का लेना है, जिससे आपको वेरीफाई होने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हमने जो फ्रंट भी ले लिया और बैक भी ले लिया। अब आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, देखो गाइज, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीका है, आप इसमें आप आराम से कर सकते हो। यदि एक बार में नहीं हो रहा है तो आप इसमें बार बार ट्राई करो, यदि ये फोटो सही से आपका नहीं आ रहा है तो आप दूसरी बार फिर से करो। ठीक है, इसी प्रकार करना होगा। अब यहाँ पे एड्रेस से जो इन्फॉर्मेशन पूछ जा रही है ना, तो जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड में वो आपको यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है।
जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया जो भी एड्रेस है वो एड्रेस वगैरह हमने डाल दिया है, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। देन कंफर्म में जैसे क्लिक करोगे ना तो थोड़ा कुछ वेट लेंगे, इसके बाद आपका जो भी आप सिग्नेचर वो आपको यहाँ पर डालने होंगे। सिग्नेचर पर क्लिक करना है, नए यहाँ पर जो सिग्नेचर करने होंगे आप यहाँ पे इसको जूम भी कर सकते हो या फ़ोन को घुमा के रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ पे साइन करना है जो आपका आधार कार्ड में और पैन कार्ड में दे रखे हैं, यहाँ पे साइन कर देते हैं, इसके बाद अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आपको यस प्रोसीड पे बोला जाता है, देखो यहाँ पे नॉमिनी का पूछ रहा है ना, तो नॉमिनी आप जो कभी भी ऐड कर सकते हो, अभी चाहो तो भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रोसीड्यूअर है जो आधार कार्ड ई साइन बोला जाता है, जो आपका एकदम ओरिजिनल जो वेरीफाई होगा अब, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो प्रोसीड जो ई साइन पे क्लिक करना होगा, बहुत ही आसान है भाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या ना आपने जैसे ही तो यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, और ये जो NSDL जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना अपनी जो आधार कार्ड वाली, उस पर चला जाएगा। देखो इस पे हमने जैसे क्लिक किया ना, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर चला जाएगा, NSDL जो मैंने बोला था अभी जो उस वेबसाइट पर चला गया। अब यहाँ पे जो आई हेयर लिखा ना, वहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर टिक करना है। उसके बाद जो भी आप आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। आधार कार्ड से जो आपके मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, OTP आपको OTP डालना है, उसके बाद वेरीफाई कर देना। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो ये आपका अकाउंट है सक्सेसफुली बन चुका है, और अब थोड़ा कुछ वेट करना है। और उसके बाद थोड़े वेट के बाद में आपको जो इस ऐप्स के लिए जो आपको लॉगिन पासवर्ड और ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा ना, तो जैसे आपको मेल आ जाएगा, तो यानी अकाउंट सक्सेसफुली आपका ओपन हो जाएगा, तब आपको ईमेल आईडी पे ही मेल आ जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, वो हो चुका है, जो भी हो चुका है रिजेक्ट होगा। तो भाई लोग जब भी आपका अकाउंट जो सक्सेसफुली ओपन होगा ना, तब आपको मेल भी आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। बस ये तरीका था, मैं इजी तरीके से बता दिया हूं। बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता देना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर देना, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप टेलीग्राम पर मेरे शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं।